ये सफर है दूध की एक बूंद से शुरू हुई क्रांति का। जो कि 1946 में सरदार पटेल के विचार से शुरू हुई और जिसने अमूल ब्रांड शुरू कर हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। ४६ से १९७० तक ये क्रांति पहुंची गुजरात के 6 जिलों में और 1973 में जन्म हुआ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF का। उद्देश्य था देश के पशुपालकों को सशक्त बनाकर डेयरी उद्योग क्षेत्र को नई दिशा देने का। आज 50 साल बाद ये संस्था दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, डेयरी प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, देश के सबसे पसंदीदा ब्रांड अमूल के बेहतरीन उत्पादों के पीछे है। GCMMF की ये सफलता प्रमाण है इसके संस्थापकों के संघर्ष और समर्पण का। वैल्यू फॉर मैनी, वैल्यू फॉर मनी के विचार से कहीं ऊपर उठकर अमूल को देश से जोड़ने का, अमूल प्रोडक्ट्स की खरीद का 80% सीधे दूध उत्पादकों तक पहुंचाने का, दूध उत्पादकों के प्रति समर्पण और ग्राहकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता बरकरार रखने का। GCMMF देश भर में 86 सेल्स ऑफिसेस, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 1200 से ज्यादा पैक्स, 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 10 लाख रिटेल आउटलेट्स के साथ सालाना 2,200 करोड़ अमूल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। यही कारण है कि अमूल का सालाना ग्रुप टर्नओवर 80,000 करोड़ है और ये देश भर के हर भारतीय तक प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। गुणवत्तापूर्ण आहार से मिलता है गुणवत्तापूर्ण दूध। इस सोच को आधार बना अमूल हर साल 25 लाख मेट्रिक टन पशु आहार नो प्रॉफिट नो लॉस पर वितरित करता है। आज अमूल ने देश और विदेशों में एक अलग पहचान बनाई है, फिर चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों या फिर हो इनका आइकॉनिक कम्युनिकेशन। यही वजह है कि 2023 में अमूल विश्व के सबसे मजबूत 10 डेयरी संस्थानों में पहले नंबर पर रहा है। किसानों के सहकारिता आंदोलन से करीब करीब 7 दशक के लगातार पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज देश और देश के बाहर अमूल एक पहचान बन गया है, अमूल एक प्रेरणा बन गया है, अमूल एक अनिवार्यता बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी में साउथ साउथ एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है, तो अमूल डेयरी मॉडल दुनिया के कई हिस्सों में रेप्लिकेट किया जा रहा है। आज अमृत काल में करोड़ों देशवासियों के विश्वास से अमूल हर दिन नए शिखर छू रहा है, सहकार से समृद्धि की नई मिसालें बना रहा है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निरंतर योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।